आसपास की हर खबर से अपडेट रहने के लिए डाउनलोड कीजिए इंडियन टीवी न्यूज का एंड्रॉइड एप्लीकेशन, साथ ही विजिट करें हमारी साइट indiantvnews.in पर। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपका इंडियन टीवी न्यूज पर, मैं हूं आपका, अपना नाम है जुनैद। विधानसभा स्तर बढ़ती महंगाई बेरोजगारी को लेकर कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन। सोमवार को प्रदेश कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा स्थानीय जगदीशपुर कस्बे में केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ बढ़ती महंगाई, बिगड़ती कानून व्यवस्था व किसानों के मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकालकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक मुख्यालय से पुलिस बूथ चौराहे से होते हुए रामलीला मैदान पहुंचकर मार्च को समाप्त किया। जानकारी के अनुसार इस बीच जानकारी दिए जाने के बावजूद पुलिस ने घेराबंदी कर पुलिस बूथ पर रोके जाने पर पुलिस व कांग्रेसियों के बीच जमकर धक्का मुक्की भी हुई, जहां जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंगल ने कहा चाहे जितना बैरिकेडिंग कर लें कांग्रेस नहीं डरेगी। कोरोना महामारी में कोई साथ जुलूस या रैली में 50 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते, और कोरोना के हित में आप सबके जीवन के हित में आवश्यक है कि ये जो भीड़ भाड़ लेके निकल रहे हैं 50 लोगों की अनुमति है, मैंने 50 लोगों को छोड़ दिया है। शेष लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपने घर जाएं या जहां रैली का आपका उद्गम स्थल था। दोस्तों, इसी तरह की हर छोटी बड़ी और अपने आसपास की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज़। और जल्दी से अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। इंडियन टीवी न्यूज़ पूरे देश में अपने रिपोर्टर्स नियुक्त कर रहा है। अभी हमारे साथ पूरे भारत में 200 से ज्यादा रिपोर्टर्स काम कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल के साथ जुड़कर रिपोर्टर के रूप में काम करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में अपना जिला और मोबाइल नंबर लिखिए, हम आपको कॉल कर सारी जानकारी देंगे, या फिर आप स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इंडियन टीवी न्यूज एक नेशनल डिजिटल न्यूज चैनल है, पूरे भारत में हमारे रिपोर्टर्स काम करते हैं, तो आप भी हमारे साथ जुड़िए और अपने आसपास फैले हुए भ्रष्टाचार को खत्म कीजिए और देश सेवा में हमारा साथ दीजिए। धन्यवाद।